हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल साहेबगंज ब्लॉगर मनीषा। तो कैसे हैं गाइज, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे गाइज। तो देखिए गाइज, अभी दोपहर का समय हो रहा है और हम लोग यहाँ पे हैं और अंश भी यहाँ पे बैठा हुआ है। देखिए हाय कर रहा है। हाय अंश। तो गाइज अभी हम लोग रात में कुछ वीडियो बनाए थे तो वही सब वीडियो हम लोग अभी दिखाते हैं गाइज। तो देखिए गाइज, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि मैं मटर पनीर बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पनीर है और मटर है और यहाँ पे मेरा मसाला है और यहाँ पे मैंने टमाटर पीस लिया है गाइज और यहाँ पे प्याज जो है वो भुनक रहा है। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज भर बना रही हूँ, तो जुड़े रहिए गाइज। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मटर है और यहाँ पे पनीर है और यहाँ पे मेरा मसाला कितने अच्छे से भुन जा रहा है गाइज और यहाँ पे मैंने टमाटर पीस लिया था गाइस। तो देखिए मैं कितने अच्छे से बना रही हूँ। देखिए मसाले का कलर और यहाँ पे मेरा पानी गरम हो रहा है गाइस। ये गाइस मेरा मटर पनीर बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए कितने अच्छे से कलर आया है गाइस। देखिए बहुत अच्छे से बना है। तो अगर मेरा वीडियो गाइस आपको अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गाइस। तो गाइस देख सकते हैं, आज रात में गोभी पराठा बन रहा था। मैंने गोभी को कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे मम्मी ने प्याज और मिर्ची को फ्राई होने के लिए दे दिया और मम्मी यहाँ पे अभी बर्तन धो रही थी। हेलो गाइस, देखिए आज मैं आलू का पराठा बना रही हूँ, गोभी का पराठा बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे गोभी इतना सारा मैंने कद्दूकस कर लिया है और मैंने नहीं किया है, अंश ने किया है और यहाँ पे सारा फ्राई हो चुका है और इसमें मैं और सारा मसाला भी डालूंगी और इसको भूनूंगी गाइस। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने आटा का लोई बना लिया था और इसमें मैं गोभी फ्राई डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का गोभी फ्राई हो चुका था। तो देखिए मैं इसको बंद कर रही हूँ गाइस। देख लीजिए गाइज, यहाँ पे मेरा रोटी जो है यहाँ पे सेका गया है। अब मैं इसमें रिफाइन लगाऊंगी और इधर अंश जो है वो खुद से बना रहा है, बोल रहा है मैं खुद से बनाऊंगा, मुझे सब कुछ सीखना है। क्या बनना है अंश तुमको? ऑलराउंडर बनना है। तो देख लीजिए अंश अपने से भर रहा है और बना गया। जरा बेल के दिखाओ अंश। तो देख लीजिए गाइज अंश कैसे बेल, थोड़ा सा भरने दीजिए। तो देख लीजिए गाइज अंश जो है कैसे बेल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमको सब कुछ सीखना है, हमको ऑलराउंडर बनना है। तो देखिए अंश जो है वो कितना परफेक्ट रोटी बेल रहा है। दिखाओ अंश, दिखाओ। देख लीजिए गाइज कितने अच्छे से रोटी बेल लिया है। देखिए इतना अच्छे से तो मैं भी नहीं बेल पाऊंगी, जितने अच्छे से अंश रोटी बेल रहा है। ऑलराउंडर बनना है इसको। तो देख लीजिए गाइस, यहाँ पे मेरा गोभी पराठा बन चुका है, कितने अच्छे से बना है। और अंश ये वाला अपना रख दिया बेला हुआ। तो देखिए यहाँ पे मेरा पराठा कितने अच्छे से बन के तैयार है गाइस। और मैंने यहाँ दूसरा जो है अंश बनाया था थोड़ा सा, तो दूसरा भी तवा पे डाल दी हूँ। तो बस गाइस जुड़े।